प्रिय भाई बहनों, आज हम पुनर्जन्म के बारे में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं इस पर चर्चा करेंगे। पुनर्जन्म, भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म की देशना की है, उन्होंने पुनर्जन्म को माना है, किंतु भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है कि जो आवागमन नहीं है। तो ऐसे भी लोग थे जो फिर आरोप लगाते थे कि बिना, ये तो दोनों एक दूसरे के विरोधी बात है, आवागमन के बिना पुनर्जन्म कैसे हो सकता है। इस पर बैक्ट्रिया के राजा मिलिंद ने थेर नागसेन से प्रश्न किया, क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे? तो नागसेन ने उत्तर दिया, हाँ मानते थे। तो क्या इसमें विरोधाभास नहीं है कि वो आवागमन को नहीं मानते और पुनर्जन्म को मानते हैं? क्या बिना आत्मा के पुनर्जन्म संभव है? फिर नागसेन बोले, हाँ ऐसा निश्चय से हो सकता है, कृपा समझें। राजा बोले, बनते जहाँ आवागमन नहीं है क्या वहाँ पुनर्जन्म हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मुझे एक उदाहरण दे के समझाएं। राजन, मान लो एक आदमी एक दीपक जलाता है और वह उस दीपक से दूसरा दीपक भी जला देता है, तो क्या ये उसका पुनर्जन्म नहीं है? लेकिन उसका संस्करण दूसरी जगह हो गया, निश्चय से नहीं। राजन, इसी प्रकार बिना संस्करण के पुनर्जन्म होता है। मुझे एक और उदाहरण दे, कहते हैं राजन। महाराज, आपको कोई कविता याद है आपके बचपन में कोई आचार्य से सीखी हो? हाँ मुझे याद है। तो क्या वह कविता आपके आचार्य के मुंह से निकलकर आपके मुंह आई? निश्चय से नहीं। राजन, इसी प्रकार बिना संस्करण के पुनर्जन्म होता है। बनते बहुत ठीक, राजा ने मिलिंद ने अपनी संतुष्टि जाहिर की, और यथार्थ दृष्टि से आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। बनते बिल्कुल ठीक कहा, और इस प्रकार राजा मिलिंद और भगवंत नागसेन की वार्ता से हम समझ सकते हैं भगवान के विचार। आपका मंगल हो, आपका भला।